किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि राह तो बड़ी सीधी सी है, राह तो बड़ी सीधी सी है, मूड तो सारे मन के हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, जिंदगी में जो भी जीवन प्रभु ने हम सबको दिया है उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते, या आप कह सकते हैं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ, लेकिन जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं और मुश्किल से आपको 1-2% लोग मिलेंगे जो अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच पाते हैं, अर्थात अपना जो उनका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग भटकाव में भटक जाते हैं। जीवन में ऐसा क्यों होता है, चलिए आज खूबसूरत कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है एक धन संपन्न व्यक्ति की जो अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कालचक्र के प्रभाव से धीरे धीरे कंगाल हो गया। अब उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, संपन्नता के दिनों में तो राजा के यहाँ आपका आना जाना था, क्या विपन्नता में वो आपकी मदद नहीं करेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की थी। अब पत्नी के कहने से वो भी सुदामा की तरह राजा के पास गया। अब द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। अब राजा भी श्री कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। मित्र को इस हाल में देखकर द्रवित होकर बोले, मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। अब मित्र ने सकचाते हुए अपना हाल कह सुनाया तो उस राजा ने कहा कि चलो मैं तो तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में ले चलता हूँ, वहां से जी भर कर अपना जेब में रत्न भर कर ले आना, लेकिन नियम बस एक है कि तुम्हें सिर्फ 3 घंटे का समय मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथ बाहर लौट कर आना पड़ेगा। तब वो निर्धन व्यक्ति सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, 3 घंटे तो बहुत होते हैं, इन 3 घंटों में तो मैं बहुत सारा धन और रत्न इकट्ठा करके आ जाऊंगा, शायद मुश्किल से मुझे 10 मिनट ही लगे। खुशी के मारे वो राजा से कहता है, चलिए महाराज जल्दी चलिए। अब वो व्यक्ति रत्नों का भंडार और उससे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध ही देख कर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसे समय सीमा में काम करना है। उसने अपने पूरे जेब रत्नों से भर लिए। अब वो बाहर आने ही लग रहा था कि दरवाजे के पास रत्नों से बने छोटे छोटे खिलौने रखे थे जो कि एक बटन दबाने पर चलते थे, खेल दिखाने लगते थे। उसने सोचा अभी तो समय बाकी है, क्यों ना थोड़ी देर इन खिलौने से खेल लिया जाए। पर ये क्या, वो तो खिलौनों के साथ खेलने में इतना मग्न हो गया कि समय का भान ही नहीं रहा। उसी समय घंटी बजी जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत थी और निराश होकर वो निर्धन व्यक्ति खाली हाथ वापस आ गया। राजा ने उसको उदास परेशान देखकर प्रेम से कहा, मित्र निराश होने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने स्वर्ण के खजाने में ले चलता हूँ, वहां से जी भर के सोना अपने थैले में भर लेना, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखना, यहाँ भी सिर्फ 3 घंटे ही मिलेंगे। अब उस निर्धन व्यक्ति ने देखा कि वो कक्ष भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने सोचा अब जो गलती उसने पिछली बार की है इस बार नहीं करेगा। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना प्रारंभ कर दिया। तभी उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ी जिसे सोने की काठी से सजाया गया था। अरे, वो सोचता है ये तो वही घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं राजा साहब के साथ घूमने जाया करता था। वो उस घोड़े के निकट गया, उस पर हाथ फिराया, कुछ समय के लिए उस पर सवारी करने की इच्छा से उस पर बैठ गया। लेकिन ये क्या, समय सीमा फिर खत्म हो गई। वह अभी तक सवारी का आनंद ही ले रहा था, उसी समय घंटी बज पड़ती है और उसकी वो समय सीमा भी समाप्त हो जाती है। वो घोर निराशा में भर कर खाली हाथ वापस आ जाता है। राजा फिर कहता है, प्रिय मित्र निराश मत हो, चलो मैं तुमको अपने चांदी के खजाने में ले चलता हूँ, तुम वहां जाकर जी भर कर जितनी चांदी लेना चाहते हो उतनी चांदी ले लेना, लेकिन यहां भी एक ही चीज का ध्यान रखना है, तुम अपने थैले में उतनी ही चांदी ले सकते हो जो तुम समय सीमा के अंदर ले लो, अन्यथा उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।
अब इस बार उसने अपने दिमाग में पूरी तरह से सोच रख ली थी कि वो बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही कक्ष के अंदर पहुंचा, चांदी की रोशनी से उसकी आंखें चकाचौंध से भर गई। चांदी की धवल आभा पूरे कक्ष में विद्यमान थी। उसने अपने थैले में चांदी भरनी शुरू कर दी। अब उसने तय किया कि बिल्कुल समय का ध्यान रखेगा, यहाँ की समय से पहले बाहर आ जाएगा। लेकिन समय अभी भी बहुत था। उसने देखा अभी मुश्किल से 15-20 मिनट ही हुए हैं। तभी उसने देखा कि उस कक्ष के दरवाजे के पास चांदी से बना एक छल्ला टंगा हुआ था, साथ ही उस पर एक चीज लिखी हुई थी और ये लिखा था कि इसे छूने पर उलझने का डर है, यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की चेष्टा बिल्कुल न करना। उसने सोचा कि ये तो छल्ला है, कोई उलझाने वाली बात तो दिख ही नहीं रही है, बहुत कीमती होगा, तभी किसी ने बचाने के लिए ऐसा लिख दिया है। सोचता है देखते हैं क्या माजरा है। बस फिर क्या था, हाथ लगाते ही वो ऐसा उलझा कि पहले तो एक हाथ से सुलझाने की कोशिश करता रहा और जब सफलता नहीं मिली तो दोनों हाथ से सुलझाने लगा, और जब सुलझ न सका उसी समय घंटे बजी और जो समय समाप्त होने का संकेत थे। वो निराश होकर खाली हाथ बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी तांबे का खजाना बाकी है। चलो मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में ले चलता हूँ। वहां से जी भर कर तांबा अपने बोरी में भर लेना, लेकिन फिर समय सीमा का ध्यान रखना। अब वो सोचता है यह आखिरी मौका है, अगर इस बार चूके तो जीवन भर निर्धन ही रहना पड़ेगा। उसने सोचा, हे मेरे मालिक मेरी सहायता करना ताकि मैं समय सीमा का ध्यान रखकर वापस आ सकूं। मैं तो जेब में रत्न भरने आया था, आज ये नौबत आ गई है कि मुझे अपने बोरे में तांबा भरना पड़ रहा है। अब थोड़े तांबे से तो काम नहीं चलेगा। उसने एक नहीं 4-5 बोरे ले लिए ताकि वो काफ़ी तांबा भर सके और अपने नुकसान की भरपाई कर सके। अब भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन फिर भी वो काम में लगा रहा। विवश होकर उसने आसपास सहायता के लिए देखा, एक पलंग बिछा दिखाई दिया। भरते भरते थक गया था, सोचा चल थोड़ा सुस्ता ही लेता हूँ। थोड़ी देर लेटा तो नींद आ गई और अंत में वहाँ से भी खाली हाथ बाहर निकल दिया। तो दोस्तों, आपने क्या समझा इस कहानी से? ये कहानी हमें बताती है कि हम भी अपना जीवन इसी तरह से व्यर्थ कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन समय सीमा का या पूर्ण प्रयास नहीं करते हैं, या उतना प्रयास नहीं करते हैं जितना और लोग करते हैं, या प्रयास के बीच में बहुत सारे आने वाले प्रलोभनों में फंस जाते हैं। जीवन भी तो ऐसा ही है, हम इस संसार में मरने के बाद कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। बचपन हम खिलौनों के साथ बिता देते हैं खेलने में, जवानी तो विवाह और आकर्षण में और गृहस्थी की उलझन में, और बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगती है तो पलंग के सिवा कुछ दिखता नहीं है, और जब ही प्रभु समय सीमा समाप्त होने की घंटी बजा देते हैं। इसलिए तो संत भी कहते हैं, सावधान हो जा, अभी से भगवान का भजन कर ले तभी प्रभु मिलेंगे। और यही हालत जीवन में सफलता की है। प्रलोभन इतने आते हैं कि आप जीवन में सफल हो ही नहीं पाते हैं। इस जीवन में सफल सिर्फ कुछ लोग इसीलिए होते हैं, कुछ संत उस विशेष अवस्था को इसीलिए प्राप्त होते हैं, या कुछ विशेष व्यक्ति उस विशेष चीज को या विशेष कार्यों को इसी वजह से कर पाते हैं कि वो संसार के 99% प्रलोभनों को छोड़कर सिर्फ एक लोभ के प्रति भागते हैं जो कि उनका लक्ष्य होता है। इसलिए जीवन में यदि सफलता चाहते हो तो अनेक प्रलोभनों को छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, चाहे वो संन्यास हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे जीवन का कोई भी पहलू हो। बस ये एक कहानी यदि आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो हर कदम पे सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।